हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लॉ विद पोम्पी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल से टॉपिक लेके आए हैं, और वो टॉपिक है कि हम आज इंग्लिश में जो फूलों का नाम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो हम वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये बोलना चाहते हैं, फूलों को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लावर्स। तो सबसे पहले जो फूल है उस फूल का नाम है जीनिया, इंग्लिश में भी उसे कहा जाता है जीनिया। नेक्स्ट जो है वो है कमल का फूल, और हम सभी को पता है कमल का फूल क्या होता है। तो कमल का फूल को इंग्लिश में कहा जाता है लोटस। आप सभी ने चमेली का नाम तो सुना ही होगा, फूलों में चमेली का नाम भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम चमेली को इंग्लिश में कहते हैं जैस्मिन। अब ये तो मत कहना कि आपने सूरजमुखी फूल का नाम नहीं सुना है, तो सूरजमुखी फूल को इंग्लिश में कहा जाता है सनफ्लावर। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फूल है, और उस फूल को हिंदी में कहा जाता है गुड़हल का फूल। तो गुड़हल का फूल को इंग्लिश में कहा जाता है हाइबिस्कस। और ये रहा गाइस, ये है घंटीनुमा फूल। शायद से हिंदी नाम ही आपको नहीं पता होगा, इंग्लिश का नाम शायद आपको पता होगा इसका। तो घंटीनुमा फूल को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लू बेल। और जो कुछ फूल होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी में सेम ही नाम होता है उन लोगों का, तो ऐसे ही एक नाम है फूलों का, वो है पियोनी। तो उसको इंग्लिश में भी सेम ही कहा जाता है, पियोनी ही कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइगर लिली। अब ये टाइगर नहीं है, इसका नाम है, फूल का नाम ही है टाइगर लिली, उसको हिंदी में भी सेम ही टाइगर लिली ही कहा जाता है। जी हाँ, मेरे घर में गेंदे का फूल है, और आप सभी ये गेंदे का फूल तो जानते हैं, उसका जो स्मेल होता है, उसको जो सुगंध आती है वो तो बहुत ही प्यारे होते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है, शायद आपको पता भी होगा, उसको इंग्लिश में कहा जाता है मैरीगोल्ड। ये जो फूल है इसके बारे में मैं ना भी बताऊँ, सबको ये पता ही है। तो ये है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है आप जानते हो, रोज़ कहा जाता है। क्या आपने पीला नरगिस फूल देखा है? आपने देखा होगा पक्का, लेकिन आपको शायद हिंदी नाम नहीं पता, आप इसको इंग्लिश में जानते होंगे। तो पीला नरगिस फूल को कहा जाता है डैफोडिल। नलिनी, जी हाँ, नलिनी जो है वो सिर्फ लड़की का नाम ही नहीं है, वो फूल का नाम भी है। तो नलिनी फूल को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूलिप। तो चलिए, ये भी इंग्लिश और हिंदी में सेम ही कहा जाता है, इसको पॉपी फूल कहा जाता है, इसको हिंदी में भी सेम और इंग्लिश में भी सेम ही आता है इसका नाम पॉपी। नेक्स्ट जो है वो है चंपा का फूल। जी हाँ, ये लड़की का नाम भी होता है, लेकिन ये फूलों का नाम भी है। तो चंपा को फूल को जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसको हम लोग इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नोलिया। अब जो है वो है नीलकमल। तो नीलकमल को जो है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्लू वाटर लिली। जी हाँ, रजनीगंधा, जो रजनीगंधा का फूल है उसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूबरोज। नेक्स्ट जो फूल है वो है ढाक। ढाक को इंग्लिश में कहा जाता है पवस। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छुईमुई का पेड़ है। छुईमुई का पेड़ आपको समझ में आ रहा है, जो पेड़ को हम छूते ही वो उसके पत्ते जो होते हैं, दाने दाने से पत्ते होते हैं, वो क्या होता है, मुरझा जाते हैं, वो शर्म के मारे अपने आप को छुपा लेती है। तो उसको कहा जाता है छुईमुई पेड़। तो उस छुईमुई के फूल या पेड़ को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टच मी नॉट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फूल है, जिस फूल का नाम है महिमा फूल। महिमा फूल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी। ये तो आपको शायद पता ही होगा, इस फूल का नाम है गुलबहार। अगर आप कह रहे हो कि मेरे को नहीं पता है, इस बारे में सुना नहीं है, तो आपको ये गाना पे भी आपको सुनने को मिल जाएगा गुलबहार। तो गुलबहार फूल को इंग्लिश में कहा जाता है डेजी। सो आवर नेक्स्ट फ्लावर नेम इज कुमुदिनी। कुमुदिनी फूल को शायद से आप पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको हिंदी नाम उसका नहीं पता, आपको इंग्लिश वाला नाम इसका पता है। तो आप आज ये इंग्लिश नेम से हिंदी नेम सीख रहे हो इसमें, तो कोई नहीं। तो कुमुदिनी जो फूल है उसको इंग्लिश में कहा जाता है लिली, जिसके बारे में आपको पता है, लिली फूल ही आप शायद कहते हो, उसका हिंदी नेम है कुमुदिनी। तो चलिए, आज का आखिरी फूल के नाम के बारे में जानते हैं। तो आखिरी फूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सदाबहार फूल। सदाबहार फूल मेरे भी घर पे है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, उसके खुशबू भी होता है थोड़ा बहुत। तो वो चलिए उसके इंग्लिश नाम के बारे में जानते हैं। तो सदाबहार फूल को हम इंग्लिश में कहेंगे पेरिविंकल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हाँ, शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और एक बात, मेरे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप लोग प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा।